मिनहाज यूथ लीग और मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम फ़िक्र इकबाल और आज का नौजवान के अनवान से खुसूसी तकरीब का इनेकाद अवामी सेक्रेटेट शेखपुरा में किया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी MSM पाकिस्तान मियां सर महमूद कादरी, स्कॉलर मिनहाज यूनिवर्सिटी अलामा अदनान वहीद कासमी, नौजवान मोटिवेशनल स्पीकर प्रोफेसर मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी, उम्मीदवार सदर डिस्ट्रिक्ट बार शेखपुरा मियाँ बाकर अली डोगर एडवोकेट मारूफ करूंदा, राशिद चौहान एडवोकेट, नाजम तहरीक मिनहाज रुकान शेखपुरा, नासिर कलीम एडवोकेट, साफी कॉलबेस शेख मोहम्मद तैयब, सदर मिनहाज यूथ लीग शेखपुरा शबीर मुगल कादरी, नायब सदर मिनहाज यूथ लीग जिला शेखपुरा इमदाद हुसैन कादरी, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद शहजाद मुगल, नाजम नशरशात इरफान मुश्ताक, सदर मिनहाज यूथ लीग सिटी शेखपुरा इरफान कादरी, जनरल सेक्रेटरी मिनहाज यूथ लीग सिटी शेखपुरा ताल मुस्तफा अलवी, सदर मुस्तफ़ी स्टूडेंट्स मूवमेंट शेखपुरा हसन सलहरिया और जुमला टीम के अलावा तहरीक मिनहाज रुकान शेखपुरा पाकिस्तान अवामी तहरीक के जुमला फोरम से अहदेदारान और मेम्बरान ने शिरकत की। इस मौका पर मुकर्ररीन ने हाजरीन से खिताब करते हुए फ़िक्र इकबाल और आज का नौजवान के मौजू पर गुफ्तगू करते हुए नौजवानों की सीरत व किरदार की बेहतरी के हवाले से ज़रूरत पर जोर दिया, जिन्होंने कहा कि इस पुरफितन दौर में ज़ेवर तालीम का हुसूल हर नौजवान के लिए लाजिम है, चाहे वो किसी भी तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखता हो। जिसका मुफक्कर पाकिस्तान हज़रत अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी शायरी में नौजवानों से तकाजा किया और उनको अपनी कौम के शाहीन बनने का दर्स दिया। बाकर अली डोगर एडवोकेट और मारूफ कानूनदार राशिद चौहान एडवोकेट ने दौरान गुफ्तगू डॉक्टर ताहिरुल कादरी की कानून इंसाफ की बालादस्ती के लिए ग्राह कदर काविशों पर खराज तहसीन पेश किया। आज इस मजलिस का, इस सेमिनार का बुनियादी मकसद यही था कि आज के हालात के तनाजुर में नौजवानों को ये पैगाम दिया जाए, ये मैसेज दिया जाए कि नहीं है नशे मन तेरा, कसर सुल्तानी के गुंबद पर तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। जवान जो अपना VN बड़ा रखें, जैसे लामा इकबाल ने नौजवान को शहीन कहा है, तो शहीन हमेशा गैरतमंदी का नाम है, आला सोचता है। जवानों का किरदार जो है वो अलामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के साथ उसको उनको रोशनास करवाया जाए, उनके साथ उनको बताया जाए कि हमारे जो आबाव अजदाद थे उन्होंने हमारे लिए क्या छोड़ा है। पाकिस्तान अवामी तहरीक इंशाल्लाह इलेक्शन में भरपूर हिस्सा लेगी और अपना नज़रिया चेहरे नहीं निज़ाम बदलो के स्लोगन के साथ इंशाल्लाह इलेक्शन में जाएंगे। शेखपुरा में उसके हवाले से ये है कि इंशाल्लाह थोड़े दिनों में जो भी कैंडिडेट होगा उसका अनाउंस कर दिया जाएगा। अवामी मशावरत जारी है वर्कर्स के साथ, जिम्मेदारान के साथ, और इंशाल्लाह हमारा अपना वर्कर जो हम में से होगा इंशाल्लाह वो पाकिस्तान अवामी लीग के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ेगा।